दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2020 से जुड़ी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPL 2020 के लिए सबकी फेवरेट रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि आने वाले ऑक्शन के लिए इस टीम की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं जिनको कि इस टीम को पूरा करना है। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और क्रिकेट की इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जल्दी जल्दी दबा लें। तो दोस्तों IPL 2020 का ऑक्शन अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है, जहां पर 19 दिसंबर को ये ऑक्शन कोलकाता में होना है, जिसके लिए सभी टीम्स ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर ली है। और हम ऐसे ही हर टीम के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार के सीज़न के लिए RCB की टीम ने कई बड़े बड़े नामों को रिलीज़ कर दिया है, तो अब इनके सागर में पानी जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। और इनको ऑक्शन में कुल 12 खिलाड़ियों की जगह को पुख्ता करना है, जिसमें से 6 ओवरसीज खिलाड़ी है तो वहीं 6 इंडियन स्लॉट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्होंने रिलीज किन किन को किया है। तो इन्होंने अक्षदीप नाथ, कॉलिंटी ग्रैंडोन, डेल स्टीन, हेनरिक क्लासन, हिम्मत सिंह, कुलवंत खेजरोलिया, मार्कस टॉयनिस, मिलिंद कुमार, नेथन कुल्टनायल, प्रयास रे बर्मन, शिमरॉन हेटमायर और टिम साउदी को रिलीज किया है। तो इस हिसाब से इन्होंने दूध और मलाई को अलग कर दिया है। तो अब इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है 2 से 3 फास्ट बॉलर्स की, जो कि ओवरसीज हों। इसके अलावा दोस्तों इनको एक आध पिंच हिटर ऑलराउंडर की भी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों एक बार नज़र डालते हैं कि अभी के हिसाब से प्लेइंग 11 के लिए इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग में बात करते हैं, तो इनके पास 4 ओपनिंग के ऑप्शंस हैं, जिसमें विराट कोहली जो कि कप्तान है RCB के, इसके अलावा देवदत्त पाटिकल, पार्थिव पटेल और गुरकीरत मान सिंह जो है वो ओपनिंग में इनको ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। तो इस हिसाब से दोस्तों इनके पास ओपनिंग में ठीक ठाक बैकअप है, तो इस हिसाब से इनको ओपनिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पार्थिव पटेल डेफिनेटली ओपन करने वाले हैं। इसके अलावा देवदत्त पाटिकल उनके साथ ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं दोस्तों अब मिडल ऑर्डर पर आते हैं, तो मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर कप्तान विराट कोहली फिक्स हैं, नंबर 4 पर AB डिविलियर्स फिक्स हैं, अब नंबर 5 पर मोइन अली भी फिक्स हैं, और अब बारी आती है नंबर 6 और नंबर 7 की। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है RCB के लिए, क्योंकि यही वो पोजीशन है जहां से मैच जो है वो बनता और बिगड़ता है। तो ऐसे में आरसीबी को नंबर 6 और नंबर 7 पर 2 पावर हिटर ऑलराउंडर्स की ज़रूरत होने वाली है, जो कि एंड में आकर बड़े बड़े शॉट्स खेल सकें। तो उसके लिए एक नाम तो RCB में ऑलरेडी मौजूद है और वो है शिवम दुबे। दोस्तों दुबे प्लेइंग 11 में डेफिनेटली खेलने वाले, क्योंकि RCB ने इनको रिटेन किया है और 5 करोड़ की प्राइस में इनको पिछले साल इनको खरीदा था, और उसी प्राइस में इनको इस बार भी रिटेन किया है। तो इस हिसाब से दुबे खेलने वाले, और इसके अलावा जो दूसरा ऑलराउंडर है उसके लिए मेरे विचार में इकलौता नाम जो है वो है ग्लेन मैक्सवेल का। दोस्तों डेथ ओवर्स में ग्लेन मैक्सवेल अच्छे शॉट्स लगाते हैं, इनके पास काफ़ी रेंज शॉट्स हैं, और इसके अलावा बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये काम हो गया मिडल ऑर्डर का। और दोस्तों अब बारी आती है बॉलिंग डिपार्टमेंट की, जिसमें RCB को सबसे ज़्यादा काम करना है, जहां पर दोस्तों 2 फास्ट बॉलर्स उमेश यादव और नवदीप सैनी तो खेलने वाले हैं इस बार के IPL 2020 में प्लेइंग 11 में। और इसके अलावा दोस्तों एक स्पिनर होंगे युजवेंद्र चहल, और अब दोस्तों प्लेइंग 11 में केवल जगह बचती है सिर्फ एक, और आरसीबी को लड़ाई करनी होगी इसी एक स्लॉट के लिए। और दोस्तों इस पोजीशन पर आरसीबी को एक ओवरसीज फास्ट बॉलर की ज़रूरत होगी, जहां पर पहले आरसीबी की नज़रें मिचेल स्टार्क पर थी, लेकिन दोस्तों स्टार्क ने ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया। तो इस हिसाब से अब मेरे विचार में 3 नाम ऐसे आते हैं जो हैं वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो और वो तीन नाम हैं पैट कमिंस, केन रिचर्डसन और डेल स्टीन। दोस्तों इन 3 में से आरसीबी को कम से कम 2 या फिर 3 को खरीदना होगा, ताकि बैकअप के रूप में भी मौजूद रहें ये खिलाड़ी। और क्योंकि दोस्तों IPL जो है वो काफ़ी लंबा चलता है, तो इस हिसाब से विराट जो है वो अपने बॉलर्स को जो है वो रोटेट करते रहें, और दोस्तों ऐसे में एक ही एक प्लेयर को खिलाते रहने से उस पर ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है, और इस हिसाब से इंजरीज की समस्याएँ बढ़ जाती हैं। तो इस हिसाब से इनको इन 3 फास्ट बॉलर्स को तो लेना ही होगा।
और दोस्तों फास्ट बॉलर के अलावा इनको एक और इम्पॉर्टेंट स्लॉट की ज़रूरत होगी और वो स्लॉट है विकेट कीपर का, क्योंकि दोस्तों आरसीबी के पास पार्थ पटेल के अलावा कोई और दूसरा विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों आरसीबी को उनका एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए होगा। और दोस्तों उसके लिए मेरे जहन में एक तगड़ा नाम आ रहा है और वो है बांग्लादेश के विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम। दोस्तों अगर किसी वजह से पार्थिव नहीं चलते हैं और या फिर उनको कोई इंजरी हो जाती है, तो फिर यहाँ पर मुशफिकुर रहीम के लिए आरसीबी जो है वो जा सकती है और मुशफिकुर रहीम जो है वो काम कर सकते हैं जो कि आरसीबी को चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों मुशफिकुर रहीम के लिए भी आरसीबी को ऑक्शन में जाना चाहिए। तो गाइस कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग आरसीबी की रह सकती है आईपीएल 2020 के ऑक्शन में। तो अब फाइनली बात करते हैं उन 12 स्लॉट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरसीज स्लॉट्स की। तो आरसीबी जो है वो 6 ओवरसीज स्लॉट्स के लिए मुशफिकुर रहीम, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा, पैट कमिंस, डेल स्टेन और केन रिचर्डसन को खरीदेगी। और बात करें इंडियन स्लॉट्स की, तो इंडियन स्लॉट्स पर यहाँ पर आरसीबी राहुल त्रिपाठी, विराट सिंह, साई किशोर, पीयूष चावला, हनुमा विहारी और सिद्धेश मिथुन के लिए जाएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई और नाम आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज़ अड्डा। थैंक यू।